हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेट अस स्टार्ट अवर ईवीएस चैप्टर नंबर 3, फेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फेयर्स होते हैं मेले, ठीक है, उसके बाद है स्पोर्ट्स। फेयर्स कई बार जो हम देखते हैं कि जैसे हमारा पंजाबी कल्चर है तो अलग अलग त्यौहार पे, अलग अलग समय पे हमारे जो पंजाब में मेले लगते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी शॉप्स लगती हैं, एक दूसरे गेम्स खेली जाती हैं। तो वो जो रिलीजियस पीपल हैं मोस्टली वो ज़्यादा मनाते हैं। कई बार फेस्टिवल हमारे जो हैं वो गांव के शहरों के लोग भी त्यौहार के ऊपर मेले लगाते हैं। उसी हिसाब से स्पोर्ट्स, बहुत सारे गेम्स खेली जाती हैं, तो उसको हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है बच्चे, लेट अस स्टार्ट योर वर्क। सिमरन वॉज हाइडिंग हर काइट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। सिमरन अलग अलग जगह पे अपनी काइट्स हैं वो छुपा रही थी। शी हैड मेड काइट्स विद ग्रेट एफर्ट्स। उसने बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिशों से एक काइट बनाई थी। टुडे देयर वॉज अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन इन हर स्कूल। उसके स्कूल में काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन मतलब पतंगबाजी का या पतंग उड़ाने का वहाँ पे कॉम्पिटिशन था। शी वॉज रियली अफ्रेड दैट हर यंगर ब्रदर माइट स्पॉइल हर काइट। तो वो डर भी रही थी, उसको बहुत डर लग रहा था कि मे बी उसका जो छोटा भाई है वो उसकी पतंगों को खराब ना कर दे। ठीक है, माइट स्पॉइल मीन्स कि उसकी पतंगों को खराब ना कर दे। हर मदर फेल्ट इट स्ट्रेंज दैट गर्ल्स फ्लाई काइट। तो उसकी मदर ने बहुत अजीब से महसूस किया कि गर्ल्स जो हैं वो काइट्स उड़ाएंगी। हर फादर सेड इफ गर्ल्स कैन फ्लाई एरोप्लेन्स व्हेन व्हाई कैन नॉट दे फ्लाई काइट्स। तो उसके पापा ने क्या जवाब दिया कि अगर गर्ल्स हैं जो वो एरोप्लेन उड़ा सकती हैं तो पतंग क्या चीज है। देयर इज नथिंग टू वरी द कॉम्पिटिशन इज बींग ऑर्गेनाइज इन स्कूल्स ग्राउंड। तो वो कह रहे हैं कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये कंपटीशन तो स्कूल के ग्राउंड में होना है। इट इज रियली सेफ टू हैव काइट फ्लाइंग इन एन ओपन स्पेस इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग ऑन रूफ टॉप्स। कहते हैं ये बहुत ज्यादा सेफ है यहाँ पे, क्योंकि ओपन ग्राउंड है, खुले मैदान में उड़ानी है पतंग तो उसमें कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बल्कि जो छतों पे उड़ाती हैं, आपने देखा होगा कि लोगों को कई बार छतों के ऊपर चढ़ जाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता, काइट उड़ रही है, कट भी जाती है, तो वो अलग अलग तरह से एक्टिविटीज करते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता लगता कि आगे छत खत्म होने वाली है, तो उसको हम सेफली हम यूज करें रूफ को। रूफ मीन्स छत। तो ये सब कुछ तो डेंजर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इट इज वेरी सेफ क्योंकि वहाँ पे ओपन ग्राउंड है जहाँ पे वो काइट कंपटीशन रखा हुआ है, स्कूल में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बसंत फेस्टिवल कम्स वंस इन ईयर हर ब्रदर सेड पापा द मीन्स दैट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू शालीमार गार्डन टू सी फेयर। तो अब तो देखा जाए तो ये बात है कि कहते बसंत फेस्टिवल अब साल में एक बार आता है, तो आपने भी अपने बसंत फेस्टिवल में पतंगे उड़ती हुई देखी होंगी। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि उसका भाई कह रहा है कि जो फेस्टिवल है तो अगर हम काइट के लिए जा रहे हैं, काइट कंपटीशन के लिए, तो हम शालीमार गार्डन में नहीं जा पाएंगे, फेयर में क्या हम जा पाएंगे। तो हिज मम्मी सेड व्हाई नॉट, क्यों नहीं जाएंगे। टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड येलो स्वीट राइस फॉर यू, फर्स्ट हैव दिस। क्या कह रही है कि वो बसंत का त्योहार है, तो उसकी मम्मा कह रही है कि मैंने येलो राइस, जो कि हमारा ट्रेडिशन है कि उस दिन पीले चावल बनाए जाते हैं, तो उसको पहले खाएंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। देन आफ्टर ड्रॉपिंग सिमरन एट हर स्कूल वी विल गो टू द शालीमार गार्डन। अब देखो जब वो कह रहे हैं कि हम पहले उसको सिमरन को स्कूल में छोड़ेंगे, उसके बाद हम शालीमार गार्डन जाएंगे जहाँ पे एक फेयर है, वहाँ पे हम जाएंगे। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम शालीमार गार्डन वी विल पिक हर अप फ्रॉम द स्कूल। आते हुए हम उसको स्कूल से ले आएंगे।
there are some main points. There are many dangers of kite flying on the rooftops. कहते छत के ऊपर जो पतंग उड़ाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खतरा है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द रूफ टॉप. कहते कि हमें क्या खतरा है कि हम छत के ऊपर से पतंग उड़ाते हुए नीचे भी गिर सकते हैं. उसके अलावा क्या खतरा है? डेंजर ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक. और आपने कई बार देखा होगा कि जो छत के ऊपर से बिजली की तारें निकल रही होती हैं, एक घर से दूसरे घर को कनेक्शन जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो तारें भी बिखरी पड़ी होती हैं, तो उससे भी शॉक लग सकता है. मे बी वो ओपन हो तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा भी है. क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज इट डेंजर टू फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ टॉप. दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन पार्ट इन योर लेसन. ऑन विच पर्टिकुलर डे इज इट our tradition to cook yellow rice. I think ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे. तो पहले में तो आपने डेंजर बताने हैं छत पे पतंग उड़ाने के, और दूसरे पे क्या बताना है कि क्या ट्रेडिशनल है, कब हम घरों में येलो राइस कुक करते हैं बनाते हैं. ठीक है बच्चे, then you have to read this chapter and try to answer these question. After some time we will discuss next page of your that lesson. Thank you.